सोलन में पीसमिल कर्मचारियों की हड़ताल लगातार चल रही है, जिसके चलते एचआरटीसी की बसें अक्सर खराब हो रही हैं, तो उन्हें दुरुस्त करना वाला मैकेनिक भी नहीं प्राप्त हो रहा है। जो गिने चुने मैकेनिक जो स्थायी तौर पर सेवाएं दे रहे हैं, वो अधिक संख्या में बसों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते सरकारी खराब बसों की संख्या एचआरटीसी वर्कशॉप में बढ़ती जा रही है। अब कई रूट्स भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। एचआरटीसी की दिक्कतें और बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि आज से स्थायी कर्मचारी भी पीस मिल कर्मचारियों के पक्ष में 2 घंटे के टूल डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि जब उन्होंने वर्कशॉप में बतौर पीस मिल कर्मचारी कार्यभार संभाला था, तो उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उन्हें जल्द अनुबंध पर लेगी। वे इस चाहत में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें लगातार अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन हड़ताल पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे तब तक टूल डाउन हड़ताल करते रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हमारे जो डिपो है 29 डिपो एचआरटीसी के हैं पूरे हिमाचल में, और कई जगह बात करें तो हमारे पीस मिल कर्मचारी को 1,000 रुपये और 2,000 रुपये पर मंथ जो सैलरी के रूप में मिलता है 30 दिन लगाने के बावजूद। जबकि ऐसा किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा कहीं नहीं कि आप 30 दिन लगाएंगे आपको 2,000 या 1,000 रुपये सैलरी मिलेगी। मतलब परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। 3,000-3,000 रुपये 5,000-5,000 रुपये के रूम लिए हुए लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने, और फैमिली साथ में रह रही है। बल्कि एक हमारे मंडी डिवीज़न में एक पीस मिल कर्मचारी ने यहाँ तक कि कम सैलरी के कारण सुसाइड भी कर लिया है, जिस पे सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी मतलब ये नहीं किया। एक बिल्कुल सर, हमारी एक जो प्रमुख एक ही मांग है हमारी कि हमें अनुबंध पे लिया जाए, क्योंकि हमारे से पहले भी जो हमारे 410 कर्मचारी जो अनुबंध पे आए और रेगुलर हुए, और अनुबंध पे ना आने से हमें सबसे बड़ा नुकसान ये कि हमें किसी प्रकार का कोई मेडिकल नहीं मिलता, किसी प्रकार की कोई रेस्ट नहीं मिलती। इन केस ऑफ ड्यूटी के दौरान कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो सरकार की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से हमें किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलता, जैसे अनुबंध कर्मचारी को या रेगुलर कर्मचारी को सरकार द्वारा दिया जाता है। उस प्रकार की कोई फैसिलिटी हमारे लिए नहीं है। हम एक दिन की भी हमारे को कोई छुट्टी नहीं है। हम 30 दिन अगर काम करेंगे तो हमें 30 दिन की ही तनख्वाह मिलेगी, और इसमें हमारे पार्ट्स के हिसाब से हमारे को पैसे मिलते हैं। जैसे मतलब पीस के हिसाब से हम काम करते हैं, उस हिसाब से हमारे को सैलरी मिलती है। यानी कि अगर मतलब आप एक दिन में अगर आपको काम नहीं मिला तो आप खाली हाथ भी यहाँ से जा सकते हैं, आपकी दिहाड़ी नहीं लगेगी। यहाँ पर ऐसा सिस्टम है। एक्चुअली में एक ही डिमांड है कि जो हमें हमारा टाइम बॉन्ड था, जो पॉलिसी थी हमारी, उसके तहत हमारा 5 और 6 साल की जो हमारी पॉलिसी है, उसके तहत हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाने चाहिए थे, लगभग सारे कर्मचारी आ जाने चाहिए थे। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है, एक भी पीस कर्मचारी है जो अनुबंध पे नहीं लिया गया है। आपको दिख रहा है यहाँ पर, कम से कम यहाँ पर अगर आप नज़र दौड़ाओ तो यहाँ पर लगभग इतना हमारी 20 से 30 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो चुकी है, जो मैक्सिमम मेजर काम के लिए खड़ी हो चुकी है। और वो हो इसलिए रही है क्योंकि इनके पास स्टाफ नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, जो है वो इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, वो चलता काम हो रहा है जो भी हो रहा है, तो बहुत सी दिक्कत आ रही है। जब हम यहाँ पर लगे थे 2015 में, तो यहाँ पर पहले एक नीति थी बनी हुई, जो जैसे कि इन्होंने बताया 5 से 6 साल की नीति थी। तो हम जब यहाँ पर लगने आए थे, जब इंटरव्यू कॉल हुए थे, तो हम यहाँ पर ये मान के आए थे कि चलो 5 से 6 साल है, कोई बात नहीं, पीसमेल पे लगा लेंगे, उसके बाद अनुबंध पे आ जाते हैं। 3 साल अनुबंध पे होता था और उसके बाद नियमित हो जाते थे। तो हम लोग सभी लोग जो है मैक्सिमम अच्छी अच्छी नौकरियों से आए थे, कि ये सोच के कि ये सरकार की नौकरियां हैं और सरकारी नौकरी है। तो भविष्य में जब हम आए यहाँ पर 2015 के बाद, 2017 में जब ये वर्तमान सरकार आई, तो इन्होंने ये पॉलिसी बंद कर दी। जो ये मतलब बंद भी नहीं करी, ना चलाई, कुछ कोई वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। और इन्होंने जैसे कि इस टाइम अगर मेरी बात ली जाए, तो मुझे 7 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पर, 7वां साल मेरा रनिंग चला है। तो इस टाइम हमारा अनुबंध पे 2रा साल था, तो इससे घाटा तो होता ही है आपको। एचआरटीसी क्षेत्रीय प्रबंधक शुगल सिंह ने बताया कि उनकी बसें लगातार खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से करीबन 9 रूट प्रभावित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या और अधिक बढ़ने लगी है, क्योंकि स्थायी कर्मचारी भी 2 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में खराब बसों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दूसरी ओर जो रूट खराब बसों के कारण बाधित हो रहे हैं, वहां के क्षेत्रवासी बस सेवा ना मिलने से भी बेहद परेशान हो गए हैं। उसमें बसों तक तो हमने पोजीशन ठीक रखी थी कि ऑलमोस्ट हमने ऐसी नौबत नहीं आने दी थी कि कोई भी रूट उसका सस्पेंड रहे। इवन दो कि गाड़ियाँ बीच में कुछ खड़ी होती रही, जो लॉन्ग
टर्मिनल वेयर के लिए थी, जो हैवी काम के लिए थी। कल हमारे इसमें लगभग 3 रूट्स इफेक्ट हुए हैं इसकी स्ट्राइक की वजह से, 2 उसमें ब्रेकडाउन की वजह से, और ये कुछ यहाँ से भेज ही नहीं पाए हैं। और आज जैसे रेगुलर जो एम्प्लॉइज़ हमारे मैकेनिक हैं, उन्होंने भी 2 से लेकर 4 बजे तक का दिया, तो उसमें स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है। उसमें रिपेयर के लिए परेशानी तो ऑटोमेटिकली आ रही है। कल तक 9 गाड़ियाँ हमारी जो मेजर रिपेयर के लिए खड़ी हो गई थी। कोशिश हम कर रहे हैं उसमें कि भी इसको उनको रिस्टोर करें, पर एक एडवांस हम जितना स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है उससे एकदम से हम नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर 115 बसें हैं HRTC की, उसमें लगभग 9-10 गाड़ियाँ जो है मेजर रिपेयर के लिए खड़ी होगी। बिल्कुल उसमें जैसे सिंगल सर्विसेज वाले रूट हैं, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि वो बंद ना हों, लेकिन स्थिति अगर इस तरह से बनी रही तो भी बोल नहीं सकते हैं।